कि मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, तो बातचीत में क्या कहा सम्राट चौधरी ने, सुनिए। बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हमारे साथ हैं। नाम में आपके सम्राट लिखा हुआ है, लगा हुआ है, और अब तो ये नई राजनीतिक व्यवस्था के आप सम्राट हो चुके हैं। मुझे एक बात बताइए, ये आपके लिए कैसा अनुभव है डिप्टी सीएम बनना? इसके पहले आप विपक्ष में संघर्ष कर रहे थे। देखिए, मैं सरकार में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। 1999 में पहली बार मंत्री बना, तब से काम कर रहा हूँ। लंबा अनुभव है इस काम का करने का। लेकिन मेरा अपना मानना है, आज के तारीख में जो खट्टे मीठे अनुभव थे उसको ठीक करना, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंध को और अच्छे करना, और बिहार के कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़े, चाहे वो जदयू के कार्यकर्ता हो या भाजपा के कार्यकर्ता, इसका संपर्क और बढ़े, जिससे कि हम 2024 और 25 का चुनाव बहुत आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि हम आपकी चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये पहला तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से अपार बहुमत के साथ बिहार से क्लीन स्वीप करके जाए, यही हम लोगों की काम। खट्टे मीठे अनुभव की आपने बात की, ये मीठे के साथ में खट्टा जुड़ा हुआ है, यथार्थ नहीं बोले हैं आप, सच्चाई। देखिए, मैं जो बोलता हूँ एकदम साफ साफ बोलने के लिए जाना जाता हूँ। मेरा मानना है, क्योंकि दोनों के संबंध बने अच्छे और बिगड़े भी, अब संबंध को पूरा करना है। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू का एक सबसे बड़ा संदेश है कि ये नेचुरल अलायंस है। जब भी आप नेचुरल है ये भाजपा या जदयू के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो वो आपको कहेंगे ये नेचुरल अलायंस है। राजद के साथ जब जदयू काम कर रही थी तो नेचुरल अलायंस कोई नहीं करता था, ये नेचुरल अलायंस है। इसलिए मैंने कहा कि संबंध को अच्छा करना है, और मैंने सब भाजपा के भी कार्यकर्ता और जदयू के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह भी करते रहता हूँ कि ये पूरी तरह ये एनडीए लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ है, उनके आतंक राज के खिलाफ है, और बिहार में सुशासन स्थापित हो इसकी चिंता। सम्राट चौधरी की जो पहचान रही है वो नीतीश कुमार के खिलाफ फायर ब्रांड लड़ाई कर रही है, इतनी फायर ब्रांड लड़ाई, इतना ये जो पगड़ी आपकी है ये एक प्रतीक बना दी कि मैं पगड़ी तब तक नहीं उतारूंगा, ये जो पहचान रही है, और अब साथ में काम करना, ये कैसे हो पाएगा? नहीं, देखिए, एक चीज समझिए, समय और वक्त। मैं 1.5 साल पहले तो नीतीश जी की कैबिनेट में ही मंत्री था, आप जब बोल रहे हैं ये बात, 2014 में भी मैं नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में मंत्री था, तो मैं मंत्री तो उनके साथ ही काम किया हूं, और मेरी उत्पत्ति भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुई है। उनको सीएम बनाने के लिए हुई है। भाई बता रहा हूं, 1995 में जब लालू यादव जी का राज था तो मेरे को 89 दिनों तक जेल में रखा गया, और वो एक ही कारण था कि नीतीश कुमार जी 1995 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।